आज बात करते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन में ये पता कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर गए, और या आप किसी और बंदे की लोकेशन आप कैसे अपने फ़ोन में दे सकते हैं कि वो बंदा कहाँ कहाँ विज़िट किया उसने, और कहाँ कहाँ तक उसके फ़ोन में लोकेशन कहाँ कहाँ की है। तो ये सब कुछ आप अपने फ़ोन में आप पता कर सकते हैं, और ये सब एक गूगल मैप पे, जो एक सबके फ़ोन में मैप होता है, उस मैप पे आप इसे सब देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वह गया और कहाँ कहाँ आप गए। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुशर्रफ, स्वागत है आपका मेरे चैनल एम के टेक में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब अपने फ़ोन में गूगल मैप यूज़ करते हैं। आजकल इतना ज़्यादा यूज़फुल है ये एप्लीकेशन कि हम सब कहीं जाते हैं तो मैप का ही सहारा लेते हैं। जहाँ हमें जगह नहीं पता, वहाँ भी हम पहुँच जाते हैं मैप के सहारे। इसके अंदर जो एक नया अपडेट आया है, और टाइमलाइन का अपडेट आया है, जैसे योर टाइमलाइन, जैसे कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं अपने मोबाइल की फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाता हूँ आप कहाँ कहाँ पर गए। और आपका उस टाइम पे बस ये है, GPS ऑन आपका ऑन होना चाहिए, जो कि फ़ोन के अंदर GPS सेटिंग होती है हमेशा वह ऑन रहनी चाहिए, जिससे आपका जो फ़ोन है वो आपको बताता है कि आप कहाँ कहाँ पर गए। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे दूसरे के फ़ोन में, दूसरे फ़ोन की लोकेशन आप कैसे पता करेंगे। तो मैं अपने फ़ोन की मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। जैसे ही यहाँ पर मैप ओपन होगा, मैप ओपन होने के बाद आपको ये नियर बाय सारी लोकेशन दिखाता है। तो साइड में ये तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद साइड में जो इसमें नया ऑप्शन आया है, योर टाइमलाइन, ये जो टाइमलाइन है इसमें आपको जहाँ जहाँ भी आप गए, ये मेरे नो विजिट प्लेस, क्योंकि मैं हमेशा GPS ऑफ रखता हूँ इसलिए ये दिखा रहा है। तो यहाँ भी आपकी सारी लाइन बन जाएगी कि आप कहाँ कहाँ पर गए। अब मैं बताता हूँ कि आप दूसरे की लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना होगा, या आपको लेना होगा, जिससे आपको उसकी लोकेशन और उस वो कहाँ कहाँ पर गया है या गई है, जो भी है कहाँ कहाँ पर गया है, तो वो आपको याद रखना होगा, या उससे मेल आईडी या पासवर्ड लेना होगा, तो उसमें आपको ये शो कर जाएगा। तो उसके लिए आपको या तो गूगल पे जा करके www.google, या फिर आप गूगल मैप में अगर अपनी आईडी ऐड कर देंगे उस बंदे की, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये आईडी है, अब यहाँ जितनी भी आईडी होंगी वो ऐड, यहाँ ऐड होकर के आईडी आ जाएगी। जैसे कि सपोज दैट मैं इस आईडी का देखता हूँ कि मेरे टाइम लाइन में इसका एड्रेस है या नहीं, जहाँ जहाँ मैं गया, तो जितनी भी लोकेशन वाइज होंगी, मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ उसको GPS को, वो सब शो कर जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा और आप आसानी से पता कर सकते हैं। उसका 2 मिनट के लिए फ़ोन ले करके आप दे सकते हैं उसकी टाइमलाइन, तो उसकी टाइमलाइन में सब शो कर जाएगा, कौन कौन से प्लेस पे वो विजिट किया उसने, वो सब शो कर जाएगा यहाँ पर। तो आप ये भी कर सकते हैं, इजी है, या फिर आप अपनी उसकी ईमेल आईडी या पासवर्ड लेकर के, तो इजीली हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हैव अ ग्रेट टाइम एंड कीप स्माइल, बाय बाय। और रुको रुको, ये चैनल की जो लिंक है इस पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में 2 वीडियोज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।